In the previous video, we learned how you can integrate normal HTML web interface or template with Django project. In this video, we will create our machine learning model, which we'll later use for predicting either given text is spam message or not. So guys, if you are new to this channel, अगर आपने इस video series पूरी नहीं देखी है from the beginning, check out the link in the description and I button above. So ज्यादा time waste ना करते हुए start करते हैं इस video को. Hey, what's going on internet? This is Vivek from Tech with VP. Your problem, our solution. तो गाइस मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है स्पाम, और उसके अंदर मैंने दो फाइल बनाई है. एक ही फाइल बनाई है विच इज स्पाम 6, जो हमारी मेन पाइथन फाइल होगी, और ये TSV फाइल है, मतलब जो हमारा डेटा सेट है. सो गाइस डेटा सेट की जो लिंक है वो मैंने आपको इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में दिखाया था कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है. आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया. सो मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन भी करके रखा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारी फाइल रेडी है. तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हमारी जो सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है पहले हम उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करवाएंगे. सो फर्स्ट लाइब्रेरी जो हम इम्पोर्ट करवाएंगे वो है numpy snp, then हम करवाएंगे pandas spd. ये सारी लाइब्रेरीज का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन और थोड़ा थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो. इम्पोर्ट जॉबलिब. सो गाइस ये मैंने नहीं बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज क्या है. हमें ये मैटप्लॉटलिब की जरूरत नहीं है, फिर भी हम अभी इंपोर्ट करके अगर शायद कुछ विजुलाइज डेटा विजुलाइज करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो अब हम उसका यूज करेंगे. सो अब जो हमारी मेन लाइब्रेरीज है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, विच इज sklearn.model_selection import train test split. सो गाइज इसका यूज क्या है, इसका यूज इसलिए हम करते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है, ये वाला जो डेटा सेट है, इसमें हमारे पास दो चीजें, एक तो लेबल है और यहाँ पे उसका मैसेज है. लेबल में दो ही चीज होगी कि हैम स्पैम, और यहाँ पे मैसेज होगा कि आइदर ये जो मैसेज है वो हैम मतलब स्पैम है या नहीं. सो बेसिकली ये दो ही चीजें कंटेन करेगा. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा सेट है उसे ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करने की. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो ट्रेन का जो पार्ट है वो हम 80% रखेंगे और टेस्ट के लिए हम 20% करेंगे, इसीलिए हम यूज करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. जो नेक्स्ट हम इंपोर्ट करने वाले हैं sklearn.ensemble import random forest classifier. ये गाइस हमारा जो मॉडल ट्रेन करना करवाने के लिए जो क्लासिफायर है वो है. हम यहाँ पे दो दो का यूज करने वाले हैं, मतलब एक यूज करने वाले रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एंड सेकंड है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. sklearn.svm सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसमें से हम इंपोर्ट करवाएंगे svc सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. आप इन दोनों में से कोई किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे वो. मैं आपको दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा. sklearn.matrix और इसमें से हम इंपोर्ट करवाएंगे एक्यूरेसी स्कोर. सो गाइस ये जो अभी सारा इंपोर्ट है, पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ. सो ये जो तीन चीजें वो हमें हमारी मॉडल की एक्यूरेसी और मॉडल के रिलेटेड जो डिटेल्स है उसको चेक करने के लिए हेल्प होगी. ये गाइस मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि हम इसका यूज क्यों करने वाले हैं. सो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ सके. sklearn.pipeline import pipeline, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको. फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट txt इम्पोर्ट tfidf वेक्टराइज
हमारी जो नीड्स थी, जो जरूरी लाइब्रेरी थी, वो हमने इंपोर्ट कर दी है। एक बार हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब ठीक से इंपोर्ट हुई है कि नहीं हुई। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ होगा तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। पाइथन स्पाम 6.py। सो गाइस ये थोड़ा टाइम लेगा रन करने के लिए, बिकॉज ये सारी लाइब्रेरीज को वन बाय वन इंपोर्ट करेगा। ओके, तो हमारी जो लाइब्रेरीज है अभी वो ठीक से इंपोर्ट हो गई है, मतलब अभी हमें कोई एरर नहीं दिखी है। सो मैंने आपको बताया था कि हम दो चीजों को बहुत बारीकी से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो हमारी जो फर्स्ट चीज है वो है पाइपलाइन, ये वाली, एंड देन सेकेंड है वो है TF-IDF वेक्टराइजर। तो ये दोनों क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो डेटा सेट है उसको लोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम df इज इक्वल टू pd.read csv। यहाँ पे मैं पास करता हूँ spam.tsv और यहाँ पे मैं सेपरेटर दे देता हूँ, सेपरेटर इज इक्वल टू /t। सो गाइस अभी आप सोच रहे होगे कि तो हमारी फाइल है वो तो tsv है, हम csv क्यों करवा रहे हैं। सो गाइस ये csv है वो tsv फाइल को भी लोड कर सकता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारी ये जो स्पाम वाली जो फाइल है यहाँ पे टैब का यूज किया हुआ है, मतलब जो हमारे लेबल्स और मैसेजेस है उनके बीच में टैब की स्पेस दी गई हुई है। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि सेपरेटर एज अ टैब लेंगे और उससे हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, मतलब हमारे डेटा फ्रेम में अब दो कॉलम्स होगी, फर्स्ट होगी लेबल और सेकंड जो है वो हमारा मैसेज होगा। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ। प्रिंट df.head हेड, हम उसका हेड, मतलब हेड फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारा फर्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। सो इसने हमें जो फर्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स थे वो हमें प्रिंट करके दे दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितनी चीजें हैं, यहाँ पे लेंथ, पंक्चुएशंस, मैसेजेस एंड यहाँ पे हमें लेबल, इतनी चीजें हमें डेटा सेट में दी हुई है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है उसको हम अलग अलग कर देंगे, मतलब हैम मतलब जो स्पाम नहीं है उस मैसेज का एक अलग डेटा सेट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, df जिसका लेबल इज इक्वल टू हैम हो उसको तुम यहाँ पे कलेक्ट कर लो। तो इसमें हमारे जो सारे हैम है, मतलब जो स्पाम नहीं है, वो सारे मैसेजेस की जो रोज है वो इसमें आ जाएगी। और सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे स्पाम के लिए स्पैम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पैम df। और अब हम इन दोनों के हेड्स को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हैम df, सेम चीज यहाँ पे हम स्पाम करवा देंगे स्पैम df। ओके, अब हम रन करते हैं। लेबल, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, LABEL आएगा यहाँ पे। ओके, हमने पूरा डेटा सेट ही प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे हम हेड दे देते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा हैम था उसका पूरा डेटा सेट अलग बन गया है और यहाँ पे हमारा जो स्पाम है उसका डेटा सेट अलग बन गया। तो हम इन दोनों के एक बार शेप्स देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी रोज है। डॉट शेप, और हम इसको प्रिंट करवाते हैं। सो इसमें ये दिखा रहा है जो हमारा हैम डेटा सेट है उसमें टोटल 4825 रोज है, 4820 रोज है और यहाँ पे है 747, मतलब जो हमारा स्पाम मैसेजेस है वो टोटल 747 है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस कि इसमें सैंपलिंग करेंगे, मतलब जो हमारे दोनों डेटा सेट है वो उसको इक्वल कर देंगे। तो वो आपको कैसे करना है इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हैम df है हमारा वो ज्यादा है जो हमारा स्पैम df है, तो हम हैम को एज अ स्पैम, मतलब जितनी स्पैम की जो साइज है उतनी ही साइज हम कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैम df इज इक्वल टू हैम df डॉट सैंपल
और यहाँ पे मैं पास क्या करूंगा, स्पैम डीएफ जो है उसका शेप है और उसकी जीरो इंडेक्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो ये स्पैम डीएफ है उसकी यहाँ पे लेंथ टपल रिटर्न की फर्स्ट इसने रो दी और यहाँ पे उसने कॉलम दी, तो हम क्या करेंगे जितनी इसकी रोज है उतनी ही हम यहाँ पे हेम डीएफ की साइज कर देंगे। तो बेसिकली गाइस सैंपल फंक्शन करता क्या है, जो डेटा फ्रेम का सैंपल फंक्शन है वो क्या करता है, रैंडमली सैंपल्स को जनरेट कलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे टोटल हमारे हैम जो डेटा सेट है उसमें टोटल 48-25 रोज है, तो उसमें से हमने क्या किया कि तुम 7-48 रोज ही कोई रैंडमली कलेक्ट कर लो, तो ऐसे जो है वो हमारा सैंपल है वो कलेक्ट हो गए। तो मैं आपको एक बार फिर से इन दोनों की साइज दिखा देता हूँ, प्रिंट हैम डी एफ डॉट शेप, और सेम चीज यहाँ पे मैं आपको स्पैम का दिखा देता हूँ स्पैम, और अब आप देख सकते हो कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम हो गई है, राइट 747। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी दोनों चीजें उसको फिर से हम एक कंबाइन कर देंगे, मतलब एक कंबाइन डेटा सेट कर देंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल डीएफ, फाइनल डेटा फ्रेम इज इक्वल टू हैम डीएफ डॉट अपेंड, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे जो हैम डीएफ है उसमें हमारा जो स्पैम स्पैम डीएफ है उसको पूरा अपेंड करवा देंगे, और यहाँ पे मैं करूंगा इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब इंडेक्स इसको तुम्हें इग्नोर करना है, और अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे फाइनल डीएफ डॉट शेप, तो आप इससे ऑलमोस्ट डबल होगा हमारा, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 747 का डबल 1494। तो जो हमारा डेटा सेट है अब वो फाइनली रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको जो जो हमने ये इंपोर्ट करवाया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। ओके सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि x अंडरस्कोर ट्रेन देन x अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ पे मैं करूंगा y अंडरस्कोर ट्रेन देन मैं करूंगा y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, डेटा ऑफ मैसेज, देन हमारा जो डेटा है उसका हम पास करेंगे लेबल। लेकिन गाइज हमारा यहाँ पे डेटा क्या है, हमारा जो फाइनल डेटा है वो है फाइनल डीएफ, तो हम यहाँ पे करेंगे फाइनल डीएफ। सो हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स और देने पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी टेस्ट साइज है टेस्ट डेटा सेट उसे हम 20% रखेंगे, और हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम 80% रखेंगे। सो यहाँ पे एक आपको आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.2, मतलब यहाँ पे आपको जो वैल्यू देनी है वो 0 से 1 के बीच में देनी है, अगर आप 0.5 देते हो तो 50% ट्रेन एंड टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई एक ही वैल्यू देनी है तो हम यहाँ पे टेस्ट की साइज देंगे तो वो ट्रेन अपने आप कलेक्ट कर लेगा। देन एक और आर्ग्यूमेंट हम देंगे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, तो इसको अभी हम कर देंगे 0। तो बेसिकली रैंडम स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा डेटा सेट है यहाँ पे अभी हमने देखा था 1494 जो रोज है उसे आप रैंडम स्टेट में सफल करो या ऐसा कुछ। यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट दे तो आपको अच्छे से पता चल जाए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सफल इज इक्वल टू ट्रू, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डेटा सेट है वो सफल हो जाएगा, मतलब कोई भी रैंडमली, यहाँ पे रैंडम स्टेट का मतलब है 0, कोई रैंडमली आपको पिक कैसे करना है वो उसका आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देनी है। देन हमने किया है सफल ट्रू, मतलब जो पूरा डेटा सेट है उसको सफल करो और उसमें से सैंपल्स को कलेक्ट करो। और हम एक लास्ट आर्ग्यूमेंट देंगे स्ट्रेटिफाई इज इक्वल टू फाइनल डी एफ ऑफ लेबल। सो आपको गाइज इतनी वैल्यूज आपको देनी है आपको ट्रेन टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने पूरा रेडी करके रखा है, अभी जो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो फंक्शन काम करेगा और ये पूरा जनरेट कर देगा। सो अब जो हमारा मेन पार्ट आता है, ये तो बहुत इजी था इतने तक करना, ये आप आराम से कर सकते हो, और अब जो हमारा जो मेन आता है हम तैयार करेंगे हमारा क्लासीफायर, मतलब कि वो कैसे क्लासीफाई करेगा
कि ये जो हैम है या स्पैम है। सो मैं आपको पहली चीज गाइस बता दूं कि ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको स्पैम मैसेज है या नहीं वो डिटेक्ट करना है, तो इस प्रॉब्लम को हम करते हैं कहते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब आपके पास दो लेबल्स है, उसमें से आपको प्रिडिक्ट करना है कि आइदर दिस इज हैम और स्पैम। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्लासिफायर क्रिएट करेंगे, लेकिन हम क्लासिफायर को क्रिएट करने के लिए पाइपलाइन का यूज करेंगे। सो व्हाट इज पाइपलाइन, तो हमने यहाँ पे पाइपलाइन इंपोर्ट करवाई है एसक्यूएल पाइपलाइन के थ्रू। सो गाइस बेसिकली पाइपलाइन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि वो आपका जो हार्डवेयर है उसको एक्सट्रीम लेवल तक यूज करने के लिए यूज होती है। मतलब इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊं, मैं यहाँ पे एक बार पेंट ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वॉट इज पाइपलाइन। ओके, सो मैं यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो अब क्या करेंगे कि हमें कोई कंपनी में कार बनानी है, राइट? तो कार के लिए हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स में ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो हमारा जो बॉक्स है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पे पार्ट कर देंगे, थोड़े तीन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। ओके, तो जो ये हमारा है वो ड्रॉ हो चुका है। सो कार बनाने में गाइस पहले क्या हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, लाइक पहले उसका इंजन जनरेट होगा यहाँ पे, देन उसका फिटिंग होगा, और देन यहाँ पे उसका पेंट होगा, और तब हमारी जाके फाइनल कार जो है वो क्रिएट होगी। सो हमारे पास अभी समझ लेते हैं कि 24 मजदूर है, मतलब 24 जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट जो इंजन का काम है उसके लिए 8 वर्कर लगे, देन फिटिंग के लिए हमारे 8 वर्कर लगे, और हमारे जो पेंटिंग है उसके लिए भी 8 वर्कर लगे। और हम करते हैं कि यहाँ पे एक वर्कर को काम करने के लिए 1 घंटा लगता है। मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे टाइम डिफाइन करते हैं कि इंजन तैयार करने में लगे 8 आवर, देन हमारा जो फिटिंग था उसके लिए भी 8 आवर लगे, देन हमारी जो पेंटिंग है उसके लिए भी 8 आवर लगे। मतलब एक कार को तैयार करने के लिए 1 दिन लगा, 24 आवर, 8 × 8 × 3। सो अब क्या होगा कि जैसे हमारा ये काम खत्म होगा तब हम दूसरी कार को तैयार करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। मतलब जैसे ही ये कार हमारी कंप्लीट होगी तब इसका काम स्टार्ट होगा। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको टाइम में डिवाइड करूं तो हमारी जो दो कार है टोटल उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। गाइस ये एग्जांपल है कि आप पाइपलाइन को कैसे समझ सकते हो, मैंने बहुत इजी एग्जांपल यहाँ पे लिया है रिसर्च करने के बाद। सो गाइस क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट कार थी उसको 8 8 8 मतलब 24, देन दूसरी कार के लिए 8 8 8 अनदर 24। सो टोटल हमने 48 आवर्स लगाया इधर दो कार को क्रिएट करने के लिए। सो गाइस इसमें प्रोसेस क्या हुई कि जब हमारा इंजन तैयार हो रहा था तो ये 8 वर्कर्स काम कर रहे थे और ये बाकी के जो 16 वर्कर्स है वो ऐसे ही बैठे थे। सो फिर क्या हुआ कि हमारा इंजन का काम फिनिश हो गया, देन ये जो काम था वो यहाँ पे फिटिंग पे आया। तो फिटिंग का जब काम कर रहा था तो ये 8 वर्कर्स जो थे वो काम तो कर रहे थे, लेकिन ये जो 8 वर्कर्स थे वो ऐसे ही फालतू में बैठे थे। तो सेम चीज क्या हुई, जब पेंट पे आया तो पेंट के लिए ये वर्कर तो काम करने लगे और ये जो 16 वर्कर थे वो फालतू में बैठे रहे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा ऐसे ही अगर हम हमारे लैपटॉप में समझे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। मतलब पहले डेटा को कलेक्ट करना, देन उसको प्रोसेस करना, फिर उसका आउटपुट जनरेट करना। तो उसके लिए क्या होगा गाइस कि पहले उसको वो डेटा कलेक्ट करेगा, तब तक उसकी जो यहाँ पे वर्कर है थ्रेड्स है या जो भी जैसे भी प्रोसेस होती है वो काम कर रहे हैं। देन क्या होगा कि उसका जो होगा प्रोसेसिंग और फिर उसका आउटपुट जनरेट होगा। तो इसमें हमारा जो हार्डवेयर है गाइस वो फालतू ही बैठा रहेगा, मतलब फालतू ही काम नहीं करेगा, वो कुछ टाइम के लिए पॉज होगा। लेकिन जब हम पाइपलाइन का यूज करते हैं तो सीन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अभी ये पूरी चीज को इरेज करता हूँ, ये था विदाउट पाइपलाइन, अब हम यूज करेंगे विथ पाइपलाइन। तो विथ पाइपलाइन हमें बेनिफिट क्या होता है, तो गाइस आपको याद रखनी है कौन सी चीज। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि हमने 48 आवर्स में दो कार बनाई, दो कार, राइट? तो गाइस इसको आपको याद करना है। तो हम फिर से एक बार यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं,
ये हमारा है ग्राफ। यहाँ पे मैं फिर से एक बार वो पाइपलाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर पहले होगा इंजन, देन होगा उसका फिटिंग, देन होगा उसका पेंट। सो गाइज अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइपलाइन, राइट। हम यहाँ पे पाइपलाइन यूज करेंगे। तो अब क्या होगा गाइज, एज यू नो कि हमें इतना टास्क करने के लिए 8 घंटे लगते हैं, इसके लिए भी 8 घंटे लगते हैं और इसके लिए भी 8 घंटे लगते हैं और 8 वर्कर्स लगते हैं। तो पाइपलाइन में क्या होगा कि ये जो 8 वर्कर्स थे, पहले उन्होंने इंजिन कंप्लीट कर लिया, हमारा जो इंजिन था वो बन गया। तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो टास्क है वो इंजिन से जाएगा फिटिंग के लिए। तो हमारे जो दूसरे 8 वर्कर्स थे वो काम करने लग गए। मतलब अब क्या होगा कि जो हमारे इंजिन के 8 वर्कर थे वो अभी फ्री पड़े हैं, तो उनको हमें फ्री नहीं रहने देना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम तुरंत ही दूसरी कार जो है उसका काम भी स्टार्ट करवा देंगे। यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी जो कार है उसको भी असेंबली में लगा दिया जाएगा। तो अब जो ये 8 वर्कर्स थे जिन्होंने इंजिन का काम कंप्लीट कर दिया, वो दूसरी कार का इंजिन क्रिएट करने के लिए लग जाएंगे। मतलब अब ये हमारे 8 वर्कर फ्री नहीं बैठे है, वो तुरंत ही दूसरी जो कार है उसके इंजिन बनने में चले गए। तो अब क्या होगा कि ये जो 8 वर्कर्स थे जो हमारा फिटिंग के काम कर रहे थे, वो अभी यहाँ पे पेंटिंग पे चले गए। मतलब हमारा जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो गया, तो हमारे ये जो 8 वर्कर है वो अभी फ्री हो गए, तो हमें उनको फ्री नहीं रहने देना है। तो क्या करेंगे, वो दूसरी कार का फिटिंग करेंगे यहाँ पे। मतलब अब ये भी फिट नहीं हुए, तो अब क्या हुआ कि इसका फिटिंग स्टार्ट हुआ तो इसका इंजिन खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो दूसरी कार है वो भी यहाँ पे असेंबली में लग जाएगी। राइट तो अब ये जो इंजिन वाले जो 8 वर्कर्स थे वो यहाँ पे आ गए इसका इंजिन कंप्लीट करने के लिए। अब क्या हुआ कि गाइस इसका जो पेंटिंग का टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया 8 वर्कर्स था। तो वो क्या करेंगे, इसके जो वर्कर्स थे उसको यहाँ पे पेंट वाले टास्क पे आ जाएंगे। मतलब ये 8 वर्कर अब यहाँ पे आ गए और अब यहाँ पे जो फिटिंग के वर्कर्स थे वो फ्री हो गए, तो उनको क्या करना है, वो तीसरी कार पे चले जाएंगे। मतलब इसका फिटिंग करेगा और ऐसे जब इसका पेंटिंग का काम खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज इसको सिर्फ फटाफट से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस अब हम हमारा जो ग्राफ है उसको जनरेट करते हैं। सो अब क्या हुआ, इधर आएगा हमारे 8, यहाँ पे 8 8 8 एंड 8। मतलब हमारे पास है यहाँ पे 3 8 और यहाँ पे 3 8। तो गाइज पहले हमने क्या किया था, 48 आवर्स में हमने 2 कार्स क्रिएट की थी, लेकिन जब हमने पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया तो हमारे पास टोटल 1 2 3 एंड 4, मतलब हमने उन्हीं 48 आवर में क्या किया, 4 कार्स को रेडी कर दिया। तो गाइज यही होता है पाइपलाइन का मेन वर्क। पाइपलाइन से क्या होता है कि वो आपके हार्डवेयर को कभी फ्री नहीं बैठने देता, वो किसी ना किसी काम में आपके जो वर्कर्स होते हैं वो हार्डवेयर होता है उसको कंटिन्यू रखता है। तो इसी चीज का हम यहाँ पे मशीन लर्निंग में यूज करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव नहीं करना है, ये आपके अंडर। गाइस आई होप मैंने बहुत डीपली आपको समझाया है कि पाइपलाइन क्यों यूज करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारी पाइपलाइन और क्लासिफायर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लासिफायर का मैं करूंगा CLF इज इक्वल टू पाइपलाइन, देन यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा आपकी जो अलग अलग टास्क हो गए उसके लिए। सो जो पाइपलाइन होती है वो अलग अलग पाइपलाइन होती है, मतलब 2 2 2 स्टेज पाइपलाइन, 3 स्टेज पाइपलाइन। यहाँ पे जो हम पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं वो है 2 स्टेज पाइपलाइन, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 ही टास्क होंगे। तो इसके अंदर आपको टपल बनानी है, तो टपल में आपको पहली जो आर्ग्यूमेंट देनी है वो टाइटल देना है, TFIDF, मतलब यहाँ पे हम बनाएंगे TFIDF। तो मैं आपको गाइस अभी समझाऊंगा, जस्ट नेक्स्ट ये पहले हम कंप्लीट कर दे और यहाँ पे हम उसका फंक्शन पास करेंगे कि ये क्या करेगा, TFIDF वेक्टराइजर जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया था। ये मैं अभी जस्ट आपको इसको खत्म करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो टास्क है, नेक्स्ट वर्कर है, उसको हम ऐड करेंगे जो है हमारा मेन क्लासिफायर CLF। और यहाँ पे हम कौन सा क्लासिफायर अभी पहले यूज करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर।
तो हमने यहाँ पे यूज किया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो इसके अंदर हम देंगे दो आर्ग्यूमेंट, तो जो हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है एन एस्टिमेटर्स, और यहाँ पे हम देंगे 100, देन एन जॉब्स, तो यहाँ पे हम देंगे -1। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। जो एन एस्टिमेटर्स है उसका जो मीनिंग है द नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, मतलब ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है तो इसमें ट्रीज होती है अलग अलग लेवल्स। तो इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ब्रो तुम 100 ट्रीज को जनरेट करो। तो ये था एन एस्टिमेटर, और जो सेकंड पैरामीटर है वो है एन जॉब्स। तो उसका मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ जॉब्स टू रन इन अ पैरेलल फिट प्रेडिक्ट डिसीजन पाथ एंड अप्लाई ऑल आर पैरालाइज ओवर द ट्रीज। नॉन मीन्स वन अनलेस इन अ जॉब डॉट पैरेलल बैक एंड कॉन्टेक्स्ट। -1 means using all processes. See glossary for more details. So आप इसका जो official document है वो भी check कर सकते हो। मैंने ये text जो है वहीं से मैंने copy किया है। तो basically -1 का जो meaning होता है वो क्या होता है कि जो सारी processes है वो तुम्हें done करनी है, मतलब fit करना है, predict करना है और decision path and सारी जो चीजें वो आपको करनी है। इसीलिए हमने end jobs में यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो हमारा जो क्लासिफायर वो अब रेडी हो चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो TF-IDF है वो क्या है उसको समझना। तो हम गाइस उसको समझते हैं। हमने पाइपलाइन अच्छे से समझ लिया, तो मैंने आपके लिए पूरी चीज प्रिपेयर करके रखी है ताकि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आए। सो गाइस ये जो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना के रखी है, सो व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज TF-IDF। तो गाइस जो TF है उसका मीनिंग होता है टर्म फ्रीक्वेंसी, इट मींस हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड इज रिपीटिंग इन अ सेंटेंस। तो हम एग्जांपल एक देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे डेटा सेट है उसमें हम एक छोटा सा वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन सारे बहुत बड़े बड़े। ओके चलो हम रैंडमली यहाँ पे बन लेते हैं अपने आप से। सो यहाँ पे मैं सेंटेंसेस लेता हूँ लाइक सेंट वन इज इक्वल टू गुड बॉय, देन यहाँ पे मैं लेता हूँ सेंट टू। गाइस स्पेलिंग मिस्टेक चला लेना अभी बिकॉज समझना बहुत जरूरी है, गुड गर्ल। एंड जो हमारा सेंट थ्री है उसमें मैं ले रहा हूँ गुड बॉय एंड गर्ल DIR। तो हमारे पास थ्री सेंटेंसेस है। तो TF का मीनिंग क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड इज रिपीटिंग इन द सेंटेंस। तो अगर हम सेंटेंस वन की बात करें तो उसमें जो हमारा गुड वर्ड है उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 में से 1, मतलब ये पूरे सेंटेंस में एक ही बार रिपीट हो रहा है। देन जो हमारा बॉय है वो भी एक बार रिपीट हो रहा है। तो हम इन सारी की अलग अलग से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सो जो फर्स्ट होता है उसकी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो उस टर्म फ्रीक्वेंसी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिखाया है आपको कि नंबर ऑफ रिपीटेड वर्ड ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, मतलब एक वर्ड जो है कितनी बार एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, और नंबर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, मतलब आपका जो सेंटेंस है उसमें कितने वर्ड्स है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट जो गुड है उसकी हम करते हैं डिफाइन। तो उसकी क्या आएगी, 1/2, मतलब जो गुड है वो दो वर्ड से टोटल उसमें से 1 टाइम रिपीट हो रहा है। और अगर हम बॉय की बात करें तो वो भी क्या आता है, 1/2। तो सेम चीज आपको कैलकुलेट क्या करनी है यहाँ पे गुड और गर्ल की, तो उसमें भी सेम आएगा 1/2 और यहाँ भी आएगा 1/2। और सेम चीज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है गुड बॉय एंड गर्ल, तो 1/3, 1/3, 1/3, राइट। तो ये था टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब एक जो आपका वर्ड है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देन सेकंड जो आता है वो TF-IDF में IDF, मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मैंने यहाँ पे एक लॉजिक बना के रखा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब हमारे पास है यहाँ पे 3 सेंटेंसेस एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ड्स। तो एक एक जो वर्ड है वो एक सेंटेंस में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल हमारे पास जो सेंटेंसेस है वो 3 है और नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेन्स वर्ड्स, मतलब एक जो वर्ड है वो कितने सेंटेंस में कंटेन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। सो अब आप
गाइस ये मैं पूरा बहुत डीप में नहीं जा रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमें जो TF IDF जो है उसका जो आंसर लेना है तो हम कैसे करना है कि TF मल्टीप्लाई IDF करना है। दिस टर्म इज यूज्ड टू फाइंड सम सिमेंटिक मीनिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज एंड हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। सो गाइस क्या होता है कि बेसिकली TF IDF वेक्टराइजर है उसका हम यूज करते हैं। हमारा जो सेंटेंसेस होते हैं ये जो हमारे सेंटेंसेस है ये जो मैसेजेस है उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपको पता है कि मशीन को ये सारी चीज पता नहीं चलती तो हम उसको क्या करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो सारा जो हमारा मशीन लर्निंग का जो टास्क होता है वो मैथमेटिकली होता है। तो हम यहाँ पे मैसेजेस पास नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे जो हमारा पूरा सेंटेंस है उसको डिफाइन करेंगे एज अ मैट्रिक्स और हम चेक करेंगे कि कौन सा जो वर्ड है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन सा जो वर्ड है उस पर हमें वेट देना है, उसके उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं TF-IDF वेक्टराइजर। तो अब हमारा क्लासिफायर रेडी हो चुका है, अब और कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसको फीड करना है CLF। एक काम करते हैं हम इसको मॉडल ही बना देते हैं, मॉडल मॉडल यहां पे मैं करता हूं मॉडल डॉट फिट। तो अब हमें हमारा जो है डेटा है उसको यहाँ पे फिट करवाना है और कुछ नहीं करना है। x अंडरस्कोर ट्रेन एंड यहाँ पे हमें देना है y अंडरस्कोर ट्रेन। सो अब हमारा जो मॉडल है वो फिट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, यहाँ पे हम करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे हम करेंगे x अंडरस्कोर टेस्ट। अभी हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है राइट उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे जो कोड है वो थोड़ा जल्दी हो सके इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट्स हमारे क्या आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो हमने पूरी चीज कर दी है यहाँ पे ठीक से, सॉरी ओके। तो हमने रन कर दिया और देखते हैं कि क्या चीज यहाँ पे निकल के आती है। वाई प्रीड इज नॉट डिफाइंड, ओके हमने यहाँ पे प्रीडिक्ट लिखा है, इसको एक काम करते हैं यहाँ पे वाई प्रीड कर देते हैं प्रीड। ओके तो एवरीथिंग इज रेडी नाउ। सो गाइस फर्स्ट हमने क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मतलब ये उसने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना दिया राइट। सो अब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जहाँ पे हमने पास किया था वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे उसने पूरी चीज यहाँ पे जनरेट की है कि इसका प्रिसीजन क्या है, कि अगर ये हैम है और स्पैम है तो यहाँ पे 90% रिकॉल, यहाँ पे F1 स्कोर सपोर्ट, ये सारी चीज आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन चीज है हमारे लिए वो है एक्यूरेसी। तो गाइस यहाँ पे हमें 94% हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट है और यहाँ पे जो हमारे फाइनल एक्यूरेसी स्कोर वो दिखा रहा है 93 और यहाँ पीछे जो है 97, इसका मतलब ये 94 है। हम अब इन दोनों चीज को हटा देते हैं और हम इसको फिर से रन करते हैं। तो क्या होगा गाइस, जो हमारा डेटा सेट है वो सफल हो जाएगा और फिर से थोड़ी अलग हमें मॉडल की एक्यूरेसी मिलेगी। ये हाई लो होती रहती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको बेस्ट फिट मिल जाए तब आपको स्टॉप करना है। अभी देखो हमको मिली है 95% एक्यूरेसी, तो ये हमारी चीज ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है वो रेडी हो गया है, अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है ताकि हम हमारा जो मेन वेब इंटरफेस है उसमें यूज कर सके राइट। तो गाइस आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि आप सही से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हम यहाँ पे ऑनलाइन एक एग्जाम्पल लेते हैं जो स्पैम का एग्जाम्पल है, स्पैम मैसेज का, ताकि आपको पता चले कि ओके ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्पैम मैसेजेस एग्जाम्पल। ओके ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो नई चीज है उसको प्रिडिक्ट करना है कि आइदर दिस मैसेज इज स्पैम और नो। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं हमारा जो मॉडल है डॉट प्रिडिक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा नया मैसेज है उसको पास कर देंगे। सो यहाँ पे ऐसे मैं उठाता हूँ, तो ये जो सारे गाइस एग्जांपल है वो स्पैम SMS स्कैम, मतलब जो स्पैम मैसेजेस है उसका यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट जनरेट करके देता है।
यहाँ पे मैं इस मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। गाइस ये स्पैम मैसेज है राइट, तो हमें ये स्पैम देना चाहिए। करेक्ट, मतलब हमारा जो मॉडल है उसने करेक्ट प्रिडिक्ट किया कि ये जो मैसेज है वो स्पैम मैसेज है। हम दूसरे भी ट्राई करते हैं, मैं सारे यूज नहीं कर रहा, आप कर सकते हो, आपको आपको अगर करना हो तो। यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब हमारा जो नया मैसेज है वो अभी हमने यहाँ पे ले लिया है। स्पैम 6.py सेंड करते हैं, होपसो इस बार भी करेक्ट प्रिडिक्ट करेगा। यस यार 95% एक्यूरेसी है, ये करेक्ट ही प्रिडिक्ट करेगा। तो अब हम देते हैं कोई नॉन स्पैम मैसेज, तो अब हम देखते हैं, हम मैं खुद से बना के यहाँ पे लिखता हूँ, हमने स्पैम मैसेजेस तो कॉपी किए थे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस राइट। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या प्रिडिक्ट करता है। गाइस ये ऑब्वियसली कोई स्पैम मैसेज नहीं है, तो ये हमें स्पैम नहीं देना चाहिए। ओके ये करेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब ये स्पैम मैसेज नहीं है। सो फाइनली हमारा जो मॉडल है वो रेडी है, तो अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज कर सके। इस चीज को अभी मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट काम कर रहा है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम यूज करेंगे हमारा जो एक इम्पोर्ट किया हुआ फंक्शन विच इज जॉब लिव। गाइस मैंने बताया था कि हम मैटप्लॉटलिब का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ प्लॉट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे उसको एक्सपोर्ट joblib.dum, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है उसको पास करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम देंगे। तो हम क्या करेंगे, mymodel.pkl पिकल फाइल, हम यहाँ पे इसको पिकल फाइल में जनरेट करेंगे और अब हम इसको प्रिंट करते हैं। एक और बार गाइज हम यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है हमारे मॉडल की। जब हमें हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलेगी तो हम उसी मॉडल को डन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रही है 95%, तो इसको हमने मॉडल किया था, हम यहाँ पे अब बंद कर देते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। इस बार हमें मिली है सेम एक्यूरेसी है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक कर देते हैं। सो थोड़ी बहुत चेंजेस है लेकिन सेम है, तो हम कोई भी एक का यूज कर लेते हैं राइट। तो इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो हमारा फाइनल मॉडल अब रेडी हो चुका है और अब हम इसके प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम दो क्लासिफायर का यूज करने वाले हैं वन बाय वन, मतलब अभी हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज किया, अब हम यूज करेंगे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो इस मॉडल को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम हमारा जो नया क्लासिफायर है वो रेडी करेंगे। सो सेम चीज हम करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू पाइपलाइन, पाइपलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट पास करेंगे और लिस्ट के अंदर हम हमारा जो वर्कर्स है उसको हम पास करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो वर्कर है विच इज tfidf और इसका हम यहाँ पे क्लासिफायर हमें दे देंगे tfidf वेक्टराइजर। तो हमारा जो फर्स्ट है वो वर्कर रेडी है और हमारा जो सेकंड वर्कर है वो होगा हमारा क्लासिफायर, मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो यहाँ पे हम उसको नेम देंगे मॉडल और यहाँ पे हम यूज करेंगे svc। सो गाइस इसके अंदर टोटल हमें दो वैल्यू देनी है, c इज इक्वल टू 1000 एंड गामा इज इक्वल टू ऑटो। सो गाइस इन चीजों के बारे में मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन आप अपने आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें हमें एक्यूरेसी स्कोर और ये सब क्या मिलता है। सो हम इसको रन करते हैं। सो गाइस आपने दो चीजें देखी, हमने क्या यूज किया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज किया और हमने यहाँ भी यूज किया सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर विच इज कम्स फ्रॉम सपोर्ट वेक्टर मशीन। आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में भी ज्यादातर सुना होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हमें एक्यूरेसी कितनी मिलती है। ग्रेट गाइज, हमें 95% एक्यूरेसी मिली यहाँ पे, देखो फिर से हम एक बार रन करते हैं।
इस बार 95 अप्रोक्सीमेटली 94.9 94 98, तो जो हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है वो हमें ज्यादा दे रहा है, इसमें फिर से कम हो गई। 94 तो है ही, मतलब फिर से 94। तो एक काम करते हैं, हम इसी से मॉडल दोनों दोनों के मॉडल जनरेट करते हैं। पहले हमने माय मॉडल तो एक तो जनरेट कर दिया, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं माय एसवीसी मॉडल, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर और फिर से हम रन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एक्यूरेसी मिलती है। तो इस बार हमें 94 मिली, अगर 94 तक आ जाएगी तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इस बार 93 नहीं, ये नहीं चाहिए, तो इसी के ऊपर ओवरराइड कर देंगे हम। ओके ओके, तो हमें 95 मिल गई, तो अब हमारा जो पुराना मॉडल है उसको डिलीट कर देंगे। तो गाइस ऐसे आप यूज कर बना सकते हो आपके मॉडल्स, कि आपको कैसे प्रिडिक्शन करना है, कैसे मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने जो सारी हमारी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज थी उनको इम्पोर्ट करवाया, फिर हमने क्या किया, जो हमारी डेटा सेट है उसको लोड करवाया, फिर हमने उसके लेबल्स और जो उसके लेबल्स थे उसमें से हमने स्पैम और नॉट स्पैम को अलग कर दिया। देन हमने क्या किया कि जो हमारे दोनों डेटा सेट थे उनको इक्वल कर लिया, मतलब नॉट स्पैम एंड स्पैम डेटा सेट को इक्वली कर दिया, उसमें से रैंडम सैंपल को कलेक्ट करके। देन हमने क्या किया, उन दोनों डेटा सेट अलग अलग थे उनको एक में अपेंड कर दिया, मतलब हमारे पास एक ही डेटा सेट हो गया। देन हमने क्या किया, हमने जो ये चीज थी उसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। देन हमने हमारा जो फर्स्ट क्लासिफायर फर्स्ट मॉडल क्रिएट किया था वो था रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज करके, और जो सेकंड हमने जनरेट किया वो था सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। सो गाइस अब इनमें अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं मुझे कौन सा यूज करना चाहिए। सो गाइस आप इनका डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। कुछ क्लासिफायर इसमें से ऐसा है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा देते हैं, और कुछ ऐसे क्लासिफायर है जो मतलब इनमें से एक है कि जो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट होगा उसमें अच्छी एक्यूरेसी देगा। सो आपको ये खुद से सर्च करना है और आपको कमेंट में दिखाना है, बताना है कि आप अगर कोई दूसरा डेटा सेट यूज करते हो तो आपको कौन सा क्लासिफायर में ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। सो गाइस मैं सारी चीज आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप खुद से थोड़ा रिसर्च करो, खुद से जानो और खुद से सीखो। बाकी मैं तो आपकी हेल्प के लिए बैठा ही हूँ यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लासिफायर रेडी कर दिया, हमने पाइपलाइन के बारे में पूरा चार्ट देखा, फिर हमने TFID वेक्टराइजर के लिए भी पूरा हमने वो टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई थी वो भी आपको समझा दिया। देन हमने क्या किया कि जो हमारा मॉडल है इसमें हमारा जो डेटा है उसको फिट कर दिया, और मतलब फिट मतलब उसको ट्रेन कर दो भाई। तो और फिर हमने क्या किया, मॉडल द प्रिडिक्ट किया। तो ऐसे हमने एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और वो सारी चीज हमने देखी, और फाइनली हमने क्या किया, जॉबलिब का यूज करके हमारा जो मॉडल है उसको डंप कर दिया, मतलब हमारा फाइनल मॉडल क्रिएट कर दिया। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इस मॉडल का जो हमारा जो वेब इंटरफेस है उसमें यूज करके कैसे आप प्रिडिक्ट करवा सकते हो और कैसे API में लिंक करवा सकते हो। सो गाइस स्टे ट्यून विथ मी। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम फ्यूचर में भी लाने वाले हैं आपके लिए, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड सबके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर दो, आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, और प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस आप बहुत नई चीज और बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, मैंने पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए ही बनाया। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अपने गिटहब पे, जो मेरा पेज है वहां पे मैंने अपलोड करके रखे हैं। मैंने गिटहब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप डाउनलोड और चेक कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो मैं लास्ट में अपलोड करूंगा, लेकिन तब तक जो हम स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं वो भी मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.